आपको ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना है या ग्रिड लाइन हटानी है, या आपको यहाँ पे शीट टाइप डिफॉल्ट जो 3 शीट्स आती हैं उनकी जगह आपको कुछ सर्टेन शीट चाहिए, जो भी आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार हटानी है या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हटानी है, वो सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपने काम को बहुत इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। शीट है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, कंप्यूटर पार्ट की नेम है, उनकी क्वांटिटी है, प्राइस दी हुई है और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लिया गया है तो इनका टोटल आ गया है और यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल निकाल लिया है। कई बार रिक्वायरमेंट ये रहती है अपने पास में कि आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू टाइप करनी होती है और फिर उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप किया आपने RS और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है और जो भी इससे रिलेटेड कैलकुलेशन है इसके बेस पे है वो सभी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करता है, टेक्स्ट में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम आएंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल विंडो ओपन करेंगे, कस्टम में आएंगे, यहाँ पे हमको लगाना है RS, तो यहाँ से टाइप से जर्नल हटा देंगे हम और यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे हैश। हैश का मतलब फर्स्ट आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और उसके बाद में आपको चाहिए जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास में आप केवल न्यूमेरिक वैल्यू जो आपकी है वो टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप किया सपोज 22 और जो भी आपने टेक्स्ट वैल्यू दी है वो ऑटोमेटिकली इसके पीछे ऐड होके आ जाएगी और आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ से इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट वैल्यू जहाँ पे भी आपको टाइप करनी है, यहाँ पे हमने पीछे की तरफ RS लगाया है, अगर इसके आगे की तरफ आपको RS लगाना है तो हम आगे की तरफ RS लिख के और पीछे की तरफ इसमें वापस आ जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे, कस्टम पे आएंगे, जर्नल हटा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, RS टाइप करेंगे और स्पेस देने के बाद में आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे डबल, और उसके बाद में आप लगा देंगे हैश। हैश का मतलब है हैश अगर आपने आगे लगाया है तो आगे की तरफ इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और अगर आपने पीछे लगाया है तो पीछे की तरफ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ओके करेंगे तो यहाँ पे आगे की तरफ का RS लिखा हुआ आ जाएगा और ये कैलकुलेशन आपकी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ आपको टेक्स्ट टाइप करना है, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल विंडो ओपन करेंगे और कस्टम पे आएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सपोज आपको चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया और ओके किया, जहाँ पे भी लगाना होगा आपको वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट सीखेंगे एक्सेल विंडो कुछ मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस करना। आपको ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना है या ग्रिड लाइन हटानी है, या आप यहाँ पे शीट टाइप डिफॉल्ट जो 3 शीट्स आती हैं उनकी जगह आपको कुछ सर्टेन शीट चाहिए, जो भी आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार हटानी है या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हटानी है, वो सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम ग्रिड, अगर आपको हटाना है तो व्यू में आते हैं और व्यू में ग्रिड लाइन का ऑप्शन होता है, क्लिक हटा देंगे तो ये आपका ग्रिड लाइन जो है वो हट जाएगा। कोई आपको शीट बनानी है, सर्टेन एरिया पे आपको ग्रिड चाहिए तो होम में आके सेलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ऑल बॉर्डर्स, तो सर्टेन एरिया में आपके बॉर्डर्स दिखाई दे जाएगा। वापस से ऑन कर लेते हैं, ग्रिड ऑन कर लिया हमने। दूसरे तरीके से फाइल में आएंगे, ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ आपको एडवांस ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेव का ऑप्शन, आपको ऑटोमेटिकली कितनी देर बाद में आपकी वर्कबुक सेव हो ये सेट करना है। डिफॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट रहता है, आप चाहें अगर यहाँ पे मिनिमम 1 मिनट कर सकते हैं कि हर एक 1 मिनट बाद में आपकी वर्कबुक ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अगर आपको ग्रिड लाइंस जो हैं इनका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मिलता है आपको ऑप्शन किस कलर से आपको ग्रिड लाइन बनानी है, जो भी कलर से आप चाहें ओके करेंगे तो आपकी ग्रिड लाइन उस कलर से बन जाएगी। हटाना चाहें तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है आपको, एडवांस में ऑप्शंस, एडवांस ऑप्शन पे आएंगे और कलर के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है शो और हाइड ग्रिड, शो करना है या हाइड करना है,
तो आप यहाँ से भी ब्रिड को रिमूव कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको चाहिए या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको चाहिए तो वो कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे मिलेगा एडवांस। नीचे स्क्रॉल करेंगे डिस्प्ले के ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको मिलता है शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसको भी आप ऑन करना चाहें या ऑफ करना चाहें यहाँ से डिस्प्ले में से ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास में वापस से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपेयर हो गई है। शीट टैब अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 शीट आपके पास में डिफ़ॉल्ट आती है जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं, इनका अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है शीट्स तो वो भी हम कर सकते हैं। फाइल में आएंगे, ऑप्शंस, जर्नल में आएंगे और यहाँ पे मिलती है आपको शीट नहीं भी आप करना चाहें, 6 शीट्स चाहिए सपोज, ओके करेंगे और नई वर्कबुक ओपन करेंगे तो 6 शीट आपको यहाँ पे डिफॉल्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक में हम सीखेंगे कुछ आइकन सेट करना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस का और राइट का आपको साइन लगाना है। एक यहाँ पे शीट है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम है, उनकी क्वालिफिकेशन है, स्टूडेंट के पास में स्मार्टफोन है या नहीं है। इसके लिए आपको वैसे तो आप यस नो या हाँ नहीं भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेट किया है कि जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है उनके आगे क्रॉस लगा हुआ जाएगा, जिनके पास में स्मार्टफोन उनके सामने राइट लगा हुआ जाएगा। तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन लगानी होगी एक्सेल में और आप सभी सेल्स में ये वाली कंडीशन लगा सकेंगे। तो फर्स्ट तो इसके जो रूल्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं वो हटा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, शीट में जहाँ पे भी कोई रूल है वो सभी रूल्स हट जाएंगे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एरिया, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे आइकन सेट पे, आइकन सेट में ले लेंगे मोर रूल्स। मोर रूल्स में हमको रूल सेट करना है। फर्स्ट रूल है हमारा ग्रीन साइन आना चाहिए, ग्रीन राइट साइन, ग्रीन राइट साइन आया। अगर हम 1 टाइप करें तो ग्रीन राइट का साइन आ जाए। और सेकंड रूल हम दे देंगे यहाँ पे रेड क्रॉस का आपको साइन चाहिए, अगर आप 0 टाइप करें तो आपका रेड क्रॉस का साइन लगा हुआ आ जाए। थर्ड रूल हमारे को नहीं देना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे नो सेट रूल्स, शो आइकन ओनली पे क्लिक कर देंगे, चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगा देंगे। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप टिक मार्क नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आप 0 या 1 देंगे तो आपका ग्रीन और रेड का साइन भी आ जाएगा और साथ में ये वैल्यूज भी आ जाएगी। तो हमको केवल यहाँ पे आइकन चाहिए राइट का या क्रॉस का, तो हम यहाँ पे शो आइकन ओनली पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे आप 1 दबाएंगे वहाँ पे आपका राइट आ जाएगा, 0 टाइप करेंगे वहाँ पे आपका क्रॉस का साइन आ जाएगा। यस में हमने लगाया, 1 टाइप किया तो राइट का साइन आ गया। यहाँ पे अगर हम 0 लगाते हैं तो क्रॉस का आइकन आ जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी ट्रिक है, लेकिन इससे आप अपनी एक्सेल शीट को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।